हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजकिरण। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय नेक्स्ट टॉपिक टॉक्सिकोलॉजी, थैंक यू टू ऑल फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड लाइक माय वीडियोस मोर एंड मोर। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, बेस्ट कमेंट्स की वजह से मैं भी कंटिन्यूसली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेशन। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया है। आशा करती हूँ आगे भी आपको मेरी वीडियोस पसंद आती रहें। नाउ स्टार्ट माय नेक्स्ट टॉपिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मींस स्टडी ऑफ पॉइजन एंड लॉगस मींस स्टडी। तो स्टडी ऑफ पॉइजन एंड इट्स ट्रीटमेंट कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ पॉइजन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन। व्हाट इज द टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी? मोस्ट कॉमनली टॉक्सिकोलॉजी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स: एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। एनवायरमेंटल में मेनली हमारा क्या होगा, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स, पॉलिटेंट्स, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एजेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन पॉइजनिंग कॉल्ड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। लास्ट एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पॉइजन एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। सो फर्स्ट टॉक्सिकोलॉजी की जहाँ बात आएगी वो रिलेट हो जाता है हमारा पॉइजन से। तो व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन इज एनी सबस्टांस विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एनी सबस्टांस दैट कैन कॉज सिवियर ऑर्गन डैमेज और डेथ इफ इंजेस्ट, ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। बाय मिस्टेक भी पॉइजन ले सकते हैं एंड समटाइम पॉइजन टेक फॉर सुसाइडल पर्पज। एनी सबस्टांस कैन बी पॉइजनस इफ टेकन इन टू मच अमाउंट। किसी भी ड्रग को या किसी भी केमिकल को हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेंगे देन थेराप्यूटिक डोज देन ऑल्सो एक्ट एज ए पॉइजनस सबस्टांस एंड पॉइजनिंग मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। इफ नॉट ट्रीट टाइमली देन दे मे प्रोड्यूस्ड डेथ। इन पॉइजनिंग सबस्टांस मोस्ट कॉमनली इंक्लूडेड ओवरडोज ऑफ इलीगल ड्रग्स लाइक मॉर्फिन एंड ओटीसी ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग्स टेकन इन डोज इन टू मच अमाउंट ऑल्सो एक्ट एज ए पॉइजनस सबस्टांस। हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक फर्नीचर पॉलिश, लॉन्ड्री पाउडर ऑल्सो एक्ट एज ए पॉइजनिंग सबस्टांस। पेस्टिसाइड्स, सम मेटल आयंस लाइक मर्करी, लेड, आर्सेनिक, कार्बन मोनोक्साइड गैस ऑल एक्ट एज ए पॉइजनस सबस्टांस। तो फर्स्ट हमने स्टडी किया पॉइजन क्या है। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन? तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में हमारे इंक्लूड होंगे, फर्स्ट हम पॉइजन किसी पर्सन ने लिया है तो उसको हम नॉर्मली कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। किस टाइप का पॉइजन इनटेक किया है उसको बिना आइडेंटिफाई किए हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा आइडेंटिफाई द पॉइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्प इन डिसाइडिंग द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू द पॉइजनिंग। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन के बाद जो पॉइजन एब्जॉर्ब होने से पहले ही हमें उसे रिमूव करना है। तो सेकेंड पॉइंट आता है प्रिवेंटिंग द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। फर्स्ट हम अनएब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव कर सकते हैं बाय इंड्यूसिंग वोमेटिंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एपिका सीरप फॉर इंड्यूसिंग वोमेटिंग बिकॉज एपिका सीरप यूज्ड इन एमरजेंसी बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड फोर्सफुल एम्पटी ऑफ स्टमक। फॉर चिल्ड्रंस डोज होगी एपिका सीरप की 15 ml एंड एडल्ट के लिए डोज होगी 30 ml विच हेल्प्स इन इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन पॉइंट्स आते हैं हमारे एमेटिक्स के केस में। एमेटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ कास्टिक पॉइजनिंग एंड पेट्रोलियम डिस्टिलेट पॉइजनिंग। Why emetics contraindicated in caustic poisoning? Because during caustic poisoning, content of vomitus cause
इसोफेगल डैमेज, एंड सेकेंड है हमारा पेट्रोलियम डिस्टिलेट पॉइजनिंग में हम एमेटिक्स क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स टिश्यू, और केमिकल निमोनाइटिस, निमोनाइटिस है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स टिश्यू। सेकेंड आता है एमेटिक्स शुड नॉट गिवन टू दोज वेयर इज ए रिस्क ऑफ कन्वर्जन इन पेशेंट, कन्वर्जिव पेशेंट है उसको नहीं दे सकते हैं, कास्टिक पॉइजनिंग एंड पेट्रोलियम डिस्टिलेट पॉइजनिंग के केस में कंट्रा इंडिकेट होंगे हमारे इमेटिक्स। एंड सेकेंड अनऑब्जर्व पॉइजनिंग के लिए हम यूज करेंगे गैस्ट्रिक लेवीज। व्हाट इज द पोजीशन यहाँ पे शो की हुई है, मीन्स इस तरह से इस पोजीशन में जो पर्सन है जिसने पॉइजन इंटेक किया उसको हम लिटाएंगे, और उसके बाद जो पाइप है, एक पाइप इंसर्ट करनी है हमें स्टमक से जो कि उस पॉइजन को रिमूव करने में अनऑब्जर्व पॉइजन को हेल्प करेगा। गैस्ट्रिक लेवीज इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द पॉइजन वेयर इट अकर ड्यू टू सम एरोमेटिक सबस्टेंस लाइक परफ्यूम्स वगैरह, तो उन सब को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गैस्ट्रिक लेवीज। एंड जब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे हमारे जो इमेटिक्स हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे उस केस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, गैस्ट्रिक लेवीज। थर्ड आता है हमारा यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एंड एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट एज ए यूनिवर्सल एंटीडोट। एक्टिवेटेड चारकोल हेल्प्स इन एडजॉर्बिंग द पॉइजन एंड डिले द गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनिंग, और ये भी मोस्ट कॉमन हम किसके लिए यूज़ करेंगे, एरोमेटिक एंड एल्कलॉइड कंपाउंड्स के लिए। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग, सेकेंड हो गया अनऑब्जर्व पॉइजन को रिमूव करना, एंड थर्ड पॉइंट मेंटेन ए क्लियर एयर वे फॉर इनहेल्ड पॉइजनिंग, यदि इनहेल किया तो एयर वे को फर्स्ट क्लियर करना कंपल्सरी है, एंड सेकेंड यदि लोकल पॉइजनिंग है तो मेनली वो आईज इरीटेशन या स्किन इरीटेशन कॉज करेंगे, तो फर्स्ट वॉश द आईज एंड अदर सर्फेस ऑफ बॉडीज इफ लोकल पॉइजनिंग अकर। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड अदर मेजरमेंट ऑफ बॉडी और अदर रिलेटेड बॉडी फंक्शनिंग, ये अब तक हमारा अनऑब्जर्व पॉइजनिंग का हो सका है, बाकी के जो भी पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन हो गए। लास्ट हमारा आएगा हमारा फास्ट एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजनिंग। फर्स्ट पॉइंट मोस्ट कॉमन आता है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ यूरिन, पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ यूरिन मीन्स यदि पॉइजनस सबस्टांस बेसिक है तो यूरिन की जो पीएच है एसिडिक होगी तो फास्ट रिमूवल होगा बेसिक सबस्टांस, बेसिक सबस्टांस यहाँ पॉइजन का काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें रिमूव करना है, तो यूरिन की यदि हम एसिडिक बना देंगे तो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा, एंड ऐसे एसिडिक ड्रग है उसको यदि उसकी वजह से पॉइजनिंग है तो यदि यूरिन को एल्कलाइन बना देंगे तो एसिडिक ड्रग है वो फास्टली रिमूव हो जाएंगे। तो एसिडिक ड्रग में एग्जाम्पल हो गया हमारा सैलिसाइलेट्स एंड फिनोबारबिटोन, एंड बेसिक सबस्टांस का एग्जाम्पल हो गया क्विनिन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ यूरिन, सेकंड आता है हमारा फास्ट एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन बाय हेल्प ऑफ डायूरेटिक्स, बिकॉज डायूरेटिक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेंगे, यूरिन एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा तो पॉइजनस सबस्टांस है वो फास्टली जो रिमूव हो जाएगा, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं डायूरेटिक्स में मैनिटोल एंड फ्यूरिसमाइड। एब्जॉर्ब पॉइजनिंग के लिए नेक्स्ट आ गया है डायलिसिस, डायलिसिस में क्या होगा मेनली पेरिटोनियल डायलिसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज नाउ ए डे एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द मिथेनॉल पॉइजनिंग और स्नेक बाइट। ये डायलिसिस है उसमें हमारा क्या फर्स्ट पेरिटोनियल कैविटी क्या है जो एबडोमिनल वाल या ऑर्गन्स के सराउंडिंग में जो कैविटी होगी कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। फ्रेंड्स डायलिसिस में मोस्ट कॉमनली क्या होगा, ये हमारा जो है पेशेंट हो गया ठीक है, यहाँ से उसे क्लीन जो ब्लड है प्योर ब्लड है वो सप्लाई कर रहे हैं और जो रिमूव कर रहे हैं ब्लड फूड क्लियरिंग के लिए रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है हेपेरिन पंप लगा हुआ है जिससे कि क्लॉटिंग ना हो, हेपेरिन पंप क्लॉटिंग में पे यहाँ से सेलाइन सॉल्यूशन पास करेंगे ठीक है, ये है हमारा फ्रेश डायलेट, यहाँ से फ्रेश डायलेट जा रहा है और यहाँ से हमारा क्या जा रहा है जो हमारा यूज डायलेट है, यूज डायलेट के लिए ये वाली पाइप है, फ्रेश के लिए ये वाली पाइप है, तो उसकी जो मेनली ब्लड की क्लियरेंस हो रही है जिससे कि वो पॉइजनस सबस्टांस है रिमूव हो जाए। कुछ मॉनिटर्स हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे लाइक वीनस प्रेशर मॉनिटर
air trap and air detector and arterial pressure monitor, inflow pressure monitors. तो ये सारे हमारे किस में हेल्प करेंगे? डायलिसिस ड्यूरिंग द पॉइजनिंग. नेक्स्ट है कैथार्टिक्स. कैथार्टिक्स भी प्यूरिफिकेशन में ही हमारे हेल्प करेंगे एंड यूज फॉर फास्ट एंड द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सबस्टांस. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आता है इसमें सोडियम सल्फेट. ड्यूरिंग कैथरेसिस पाइप हम यूज करेंगे उसको कॉल करेंगे राइल्स ट्यूब. जो ट्यूब यूज करें वो है राइल्स ट्यूब यूज करेंगे एंड दिस ट्यूब इंसर्ट इनटू इंटेस्टाइन. मेनली टू टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हैं हमारे. एक आयनिक सेलाइन सॉल्यूशन है, इसमें एक तो हो गया हमारा मैग्नीशियम सिट्रेट 4 ml पर kg, मैग्नीशियम सल्फेट 30 g एडल्ट के लिए एंड 250 mg चिल्ड्रंस के लिए. अभी मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट का हो गया जिसमें 30 g फॉर एडल्ट एंड 250 mg फॉर चिल्ड्रंस. और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होगा, किस पेशेंट के लिए हम कैथा जो हमारा ये है कैथार्टिक्स यूज़ नहीं कर सकते? कॉमा बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड कन्वल्सिव पेशेंट्स. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आता है यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो एंटीडॉट्स. तो एंटीडॉट्स मैंने मोस्ट कॉमन के लिखे हैं, जैसे एट्रोपिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इथाइल अल्कोहल यूज फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, कैल्शियम एडिटेट यूज फॉर लेड पॉइजनिंग, डाइमरकैप्रोल हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज करेंगे, ऑक्सीजन गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. डार्क कलर से लिखे हैं वो मोस्ट कॉमन है इसलिए मैंने लिखा है एंड इम्पोर्टेंट है. पेनिसिलामिन मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड कॉमनली यूज फॉर कॉपर लेड जिंक मर्करी एक्सेट्रा. पिडली ऑक्साइम को हम PAMB बोलते हैं, ठीक है. पिडली ऑक्साइम है मेनली यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. डेसफेराक्सामिन इज यूज फॉर आयरन पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे. इसे याद कर लेना, जो फेरो वर्ड आयरन के लिए यूज होता है तो डेसफेराक्सामिन इज यूज फॉर आयरन पॉइजनिंग ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग. थैंक यू सो मच. यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.